घरौंडा में साईं मंदिर के रोड के पास एक प्लेवे स्कूल के पीछे शेर के 3 बच्चे दिखाई देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आसपास रह रहे लोगों और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी वन्य जीव विभाग को दी, जिसके बाद वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने भी उस स्थानों का निरीक्षण किया जहां लोगों ने बच्चे देखे थे। रेत में पंजों के निशान जरूर मिले, लेकिन वे शेर के बच्चों के ही हैं, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। स्थानीय निवासी तेग सिंह ने बताया कि उन्होंने आज सुबह शेर के बच्चों को सड़क में रेत के ढेर पर खेलते हुए देखा। उन्होंने दूसरे लोगों को भी दिखाया, फिर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इसके बाद उन्होंने लाठियों के साथ बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिले, जिससे उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया था, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, वन्य जीव विभाग की टीम पहुंची है। आज सुबह मैंने शेर के 3 बच्चे देखे जी। सुबह 7:30 बजे सड़क के ऊपर खेल रहे थे। उसके बाद में फिर मेरे को डाउट हुआ भाई ये बच्चे किस चीज़ के हैं, तो मैंने दोबारा फिर निगरानी करी उनके ऊपर, अपने बच्चों को बुला के दिखाया, मैंने मेरी मिसिज को बुला के दिखाया। मेरी मिसिज ने एक को देखा कूदते हुए छलांग मारते हुए सड़क के ऊपर 7:30 बजे सुबह। उसके बाद में फिर मेरे को ज़्यादा शक हो गया, क्यों मैं घर का सदस्य मैन हूँ, मेरे को बड़ी चिंता होगी इस चीज़ की। उसके बाद मैंने दोबारा फिर वहाँ रेते के अंदर 3 बच्चों को खेलते हुए देखा जी। उसके बाद में फिर मैंने अपनी मिसिज को दिखाया और अपने लड़के सन्नी को घर से दिखाया, क्यों उनके पास नहीं गए, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, और चौखे बड़े बड़े बच्चे हैं 3, तो हमें तो ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इन बच्चों को पकड़ने वाली पार्टी को बुलाया जाए। वही वन्य जीव विभाग से आए बलराज सिंह ने बताया कि वे यहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन देखने से नहीं लगता कि पंचे शेर के या तेंदुए के बच्चे के हैं, फिर भी एहतियातन सावधानी बरती जाएगी और गश्त भी बढ़ाई जाएगी। हमें यहां सूचना मिली थी, हमने यहां निरीक्षण किया गया, यहां हमें कोई ऐसे पगमार्ग नहीं मिले जो तेंदुए के हों। जी जी, तो क्या फोन वगैरह आया था आपके पास? हाँ, हमारे पास फोन आया था जी, एक रिटायर फौजी साहब हैं गोरुंडे से, उन्होंने फोन किया था भाई हमें तेंदुए के पग दिखे हैं, तेंदुए के बच्चे दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर हम आए कुछ भी दिखाई नहीं दिया हमें। तो अगली कार्रवाई क्या रखेंगे अपनी? अगली कार्रवाई हम यहाँ फील्ड बढ़ाएंगे अपनी, और उसके बाद हम देखते हैं अगर पग मार्ग मिल गए या और कुछ निशान मिले तो यहाँ फिर अगली कार्रवाई अधिकारियों के नॉलेज में होके जब करेंगे। कौन सी टीम की आप, कौन से विभाग की तरफ से आए? वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से आए जी। वाइल्ड लाइफ, क्या नाम है अपना? बलराज सिंह जी। सत्य खबर के लिए घरौंडा से गुरदीप रंगा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।